सोलन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि वो हिमाचल के हितों को लगातार सदन में उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के लिए भी केंद्र से बजट मिला है और सभी सुरक्षा एजेंसियां भी हिमाचल की आपदा पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार प्रदेश की हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को भाजपा के समय चलाई गई शगुन और हिमकेयर जैसी योजनाओं को बंद करने को लेकर भी घेरा है। एक ऐसा बजट जो कि विकासोन्मुखी बजट है, जो इस देश को एक नई दिशा देने वाला बजट है और देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस दिशा में आगे बढ़ने वाला बजट है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई है, उनका कौशल विकास करने की बात की गई है और साथ ही साथ एमएसएमई को बढ़ावा देना और इसको लेकर मुख्यतः उद्योगों के ऊपर के विशेष फोकस किया गया है।